आज सूर्य ग्रहण था और इसे खगोलीय घटना बताया जाता है, मगर इसे खगोलीय घटना बताने वाले मूर्खों को यह नहीं पता कि सूर्य ग्रहण एक भौतिक घटना है जिसका सीधा संबंध भगवान बुद्ध से है। सूर्य जो कि एक मनुवादी देवता है, वहीं सूर्य को निकल जाने वाले राहु एक बोधिसत्व है। और इस बात की पुष्टि के लिए हम आप सबको बौद्ध धर्म के एक अनुसंधान पेपर से परिचित करवाएंगे। बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय के दूसरे परिच्छेद देवपुत्र संयुक्त में सूर्य सूत्र नाम का एक शीर्षक है जिसे महाबोधि सभा द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस शोध प्रपत्र में सूर्य ग्रहण के वैज्ञानिक कारणों के बारे में बताया गया है। हम बचपन से सुनते आए हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। जिस सूर्य ग्रहण को लेकर हम उत्सुक लालायित एवं आश्चर्यचकित हो जाया करते थे, हमारे दादा नाना नानी इस विषय में कई प्रकार की कहानियां हमें सुनाया करते थे और बताया करते थे। आज इस सूर्य ग्रहण के पीछे जो वैज्ञानिक कारण था, उस कारण की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त हुई है, जिसे बौद्ध समाज एवं बौद्ध वैज्ञानिक आचार्य भंते भिक्षु लोगों ने बड़े ही अनुसंधान करके लिखा है और बताया है। इसे पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ब्राह्मण अपने ग्रंथों में जिस राहु केतु की बात करते हैं, असल में वो दोनों तो बोधिसत्व थे और कट्टर बौद्ध थे, या इसे ब्राह्मणों ने राहु बना दिया, जबकि वह बुद्ध का शिष्य था जिसमें सूर्य को ग्रहण कर लेने की, यानी कि उसे निगल लेने की क्षमता थी, क्योंकि सूर्य मनुवादी देवता था। तो मित्रों, आइए बौद्ध धर्म में सूर्य ग्रहण पर किए गए अनुसंधान पेपर को आज देख लेते हैं। इस अनुसंधान पेपर में लिखा है, एक बार असुरेंद्र नामक बोधिसत्व राहु असुर ने सूर्य को पकड़ लिया। सूर्य रोते बिलखते बुद्ध के चरणों में जा गए और उनसे विनती करने लगे, हे भगवान बुद्ध, आप तो सभी चिंताओं से विमुक्त हैं, आप हमारी चिंता को भी दूर करें। तब बुद्ध ने तत्काल बोधिसत्व राहु को बुलाया और उसे निर्देश दिया कि जल्द से जल्द सूर्य को मुक्त कर दो। जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसके अधीन हो जाता हूँ, अर्थात जो मेरा भक्त है उसकी चिंता मेरी चिंता है, इसलिए जल्द से उसे मुक्त कर दो। फिर बुद्ध के भय से डर कर राहु ने सूर्य को मुक्त कर दिया और बुद्ध के ऊपर भौंहें टेढ़ी करते हुए एक किनारे आकर खड़ा हो गया। यह पूरी घटना आप संबंधित स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। यह बौद्ध अनुसंधान बताता है कि मनुवादियों ने सूर्य ग्रहण की कथा बौद्ध ग्रंथों से चोरी की है। और यह भी पता चलता है कि सूर्य जैसा आग का गोला भी रोता था और जिसकी राहु से रक्षा करते थे बुद्ध। निसंदेह आज भी सूर्य बुद्ध के सामने गिड़गिड़ाया होगा और गौतम बुद्ध ने आज फिर से अपने चेले राहु को डांटा होगा। यह इस ब्रह्मांड का अद्भुत विज्ञान है। बौद्ध संस्कृति पूर्ण रूप से विज्ञान पर केंद्रित है, मगर मनुवादी कभी बौद्ध धर्म के विज्ञान को मानना नहीं चाहते, उसे स्वीकार करना नहीं चाहते। तो इस प्रकार मित्रों, आज आपने जाना यह राहु असल में एक बोधिसत्व था जो गौतम बुद्ध का चेला था, और यह आज भी सूर्य को निगलने आया था और सूर्य को निगला भी था, जिसे गौतम बुद्ध ने आज फिर बचाया है। बाकी आपने सूर्य ग्रहण में क्या किया हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और सूर्य ग्रहण के इस अद्भुत विज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं कि इस विज्ञान से बहुत सारे लोग आज भी अनजान हैं। तो जो अनजान है उनको जानकारी प्रदान करें, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम इस वीडियो के अगले अंक में आपको बताएंगे कि मनुवादियों ने सूर्य ग्रहण के बारे में क्या लिखा है। लेकिन आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद।